थैंक यू भाई। लग गया था जल्दी। ये यहाँ से एक दुकान पे लेके गया हूँ रक्षे पे, तो वो उनके पास वो नहीं था पंप, वो फिर वहां से फिर रक्षे पे लौट गया। अच्छा। फिर वो नारी अड्डे वाले में लेके गया हूँ, वो वहां से इसका था पंचर काफी बड़ा हुआ था, वो लोहे का को लगा हुआ था क्लिप सा, अच्छा। वो लगा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जैसे कि संडे है, सुबह रूटीन वाइज ऐसे ही आँख खुली और मैं उठ गई, लेकिन जब बच्चे सो रहे थे मैं दोबारा सो गई। 11 बजे फिर मैं उठी हूँ, और उसके बाद बच्चों को नाश्ता देना था, फिर कुछ लेने वाला था वो लेने के लिए गई हूँ। जब तो वापसी पे लेके जब आ रही थी तो अपने गेट पे जो है वो मेरी बाइक पंक्चर हो गई। बाइक जो है वो ना मेरे से आगे आ रही थी ना पीछे, और वो जो है क्योंकि उसके टायर हैं वो ट्यूबलेस, तो वो यहाँ से उसका पंक्चर भी नहीं लगता। सो फिर गार्ड जो है उनको उन्होंने बोला कि इधर ही खड़ी कर दे तो हम ठीक करवा के लाते हैं। वो फिर जो है बाइक को ठीक करवा के लेके आए, और शुक्र का कलमा पड़ा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पहले जो मेरे पास बाइक थी वो भी सेकेंड हैंड मैंने ली थी, तकरीबन वो 8-9 माह मैंने यूज़ किया, लेकिन उसका कोई कभी इशू नहीं हुआ। और फिर उसके बाद ये मैंने न्यू ली थी, और इसका फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि जो है ना इसका टायर पंक्चर हुआ है। लेकिन खैर कोई नहीं, वो ठीक हो गया था। फिर जो है वो आपको बताया था उस दिन के ब्लाइंड्स जो मैंने ऑर्डर किए हुए थे, तो ब्लाइंड्स वाले आए, और किचन का जो ब्लाइंड था वो मैंने उनको बोला था, दूसरा पट्टी वाला जो होता है जो मैं डबल साइड हो जाता है वो वाला था, लेकिन जब लगाने के लिए आए तो उन्होंने जो अजीब सी पट्टी सी लगा दी, और मुझे बहुत उस पर गुस्सा आया, और मैं काफ़ी बोल भी रही थी, और यही बोला कि उनको ये हमें चेंज करके दें। तो रूम का जो है वो ब्लाइंड मैंने लगवा लिया था, बहुत ज़बरदस्त लगा था, बहुत प्यारा जो मैंने सेलेक्ट किया था बिल्कुल वही बना है। तो अब किचन का जो है वो मैं चेंज करवाऊँगी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और जैसे ही पलट ये देखिए, अब सीधा किया तो अभी ये सही नहीं होते, इनको पकड़ के बस सही सीधा करते रहो। वो तो ये तो सेट हो जाएगा, मम्मी इसका शुरू इधर लग गया, वो फिर वो सेट हो जाएगा। ये आप थोड़ा टेंशन छोड़ दीजिए, सीधा होने वाली आपको बिल्कुल। और ये जी पार्सल आया मेरा अभी अभी, और इसको ओपन करूँगी, है भी कुछ छोटा सा। ये रोल पोटैटो बटर रोल ये मंगवाया था। देखें अभी जो है एल्सा ने मीराल की डॉल उठा ली है, और अभी डॉल की खैर नहीं है। आज इसकी हालत देखें ज़रा, ये बाहर गई, एक बाइक खड़ी हुई थी और उसके नीचे ये गई, और जब निकली है तो उसकी ये हालत थी। देखें कितनी गंदी हुई, अभी इसको नहलाना है मैंने। भाई आज डॉल की खैर नहीं है। मीराल ज़रा ये देखें आपकी डॉल के साथ क्या हो रहा है। एल्सा एल्सा क्या किया इस बेचारी ने, क्यों इसको मारे आप? ये वो थी ना जो केक के अंदर डॉल लगी हुई होती है ना, वो मिराल सारा का जो केक आया था ना उसमें ये थी। एल्सा एल्सी चल अपनी बॉल के साथ खेले ना, बॉल के साथ खेले। ये आपकी बॉल आपकी वो आपकी बॉल ला आपकी ये देखिए वो बॉल इसकी दे इधर ये भी है।
सामने मेरे को शादी हो रही है। शादियाँ भी इतनी हो रही हैं कि तीन दिन पहले एक शादी ख़त्म हुई है, फिर एक उस साइड पे साथ ही सामने घर में शादी शुरू हो गई और आज फिर यहाँ पे हो रही है। अभी इनकी बारात जा रही है, अभी जो है वो रात के 8 बज गए और अभी बारात की तैयारी हो रही है। मिराल ये जी अभी 9 बज चुके हैं रात के और अभी तक इन्हें कोई पता ही नहीं है कि हमने सोना है। अभी इन्हें बुला रही हूँ कि आके सो जाएं क्योंकि सुबह फिर स्कूल जाना है इन्होंने, जल्दी उठना है। बस अब इनको सुलाऊंगी और फिर जो है कुछ थोड़े बहुत जो काम जी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और इसके साथ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। ये आ गए हैं बच्चे।